नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले उन लोगों की कि किन लोगों के लिए सऊदी की सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, यानी उनको सऊदी अरब जाने के लिए अब रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा नेपाल से सऊदी अरबिया के लिए फ्लाइट क्यों कैंसिल हो गई है, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि नेपाल से सऊदी अरबिया के लिए जो टिकट है उसको लेकर नेपाल की सरकार ने क्या कहा है कि टिकट के दाम को लेकर नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है, नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरबिया की। तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है, जो भी लोग वैक्सीन लगवा कर आ रहे हैं यानी वैक्सीन की फुल डोज लेकर आ रहे हैं, उनको अब मुकीम पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। चार वैक्सीन बताए हैं, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन। मॉडर्ना की दो डोज, फाइजर की दो डोज, एस्ट्राजेनेका की दो डोज और जॉनसन की एक डोज। इसमें से कोई भी वैक्सीन आपने ले रखी है और 14 दिन बीत गए हैं और आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा मुकीम पे जाकर। मुकीम वेबसाइट है, वहां पर जाकर उस पोर्टल पे जाकर अपना डिटेल्स फिल करना होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने, जब आप मुकीम पे जाएंगे, मुकीम वेबसाइट पे, वहां वैक्सीन रजिस्ट्रेशन में, तो इस तरीके से आपके सामने साइट खुलकर आएगी, उसमें पूरी तरीके से सारी चीज़ें दी रहेंगी। यहाँ पर आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, नाम भरना है, पासपोर्ट नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आप बाय एयर जा रहे हो यानी फ्लाइट से जा रहे हो या बाय लैंड यानी आप जमीनी रास्ते से जा रहे हो उसका डिटेल देना है, फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट की डिटेल देना है, अराइवल डेट यानी कब आप पहुँच रहे हो सऊदी अरेबिया में, अराइवल डेस्टिनेशन कहाँ पहुँच रहे हो, रियाद में, जद्दा में या दम्माम में, कहाँ के लिए आपकी फ़्लाइट है, कौन सी एयरलाइंस है, वैक्सीन कौन से कंट्री में लगी है, ये भी आपको बताना होगा। इसके अलावा कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई है, ये चीज़ भी आपको बताना होगा। जो वैक्सीन टाइप दे रखे हैं, चार वैक्सीन दे रखे हैं इन्होंने, फाइजर की दो डोज अगर आपको लगी है, एस्ट्राजेनेका की दो डोज या मॉडर्ना की दो डोज, इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की एक डोज अगर लगी है, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सऊदी अरब जाने से 72 घंटे पहले, ये अनिवार्य कर दिया गया है। अब बात करते हैं नेपाल सऊदी अरेबिया फ्लाइट को लेकर। तो 19 मई वाली नेपाल से सऊदी अरेबिया फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वजह पूरी तरीके से अभी मुझे नहीं पता है कि वास्तव में सही वजह क्या थी, लेकिन जो मैंने दो एक जगह पे खबरें देखी है जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है, जिसकी वजह से फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं। ये एक आपको मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ, स्ट्रैंड इन नेपाल, जो नेपाल में फंसे हुए हैं उनके तरफ से ये ट्विटर हैंडल बना हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आफ्टर 3 चार्टर नेपाल एयरलाइंस रियाद दम्माम सस्पेंड, न्यूज ऑफ स्ट्रिक्ट न्यू क्वारंटाइन एंड PCR रूल्स, इसकी वजह से ये कैंसिल हुआ है। इन्होंने कहा है कि जो नया नियम बनाया गया है सऊदी की तरफ से, क्वारंटीन का सख्त नियम बनाया गया, इस वजह से फ्लाइटें कैंसिल हुई है। इसके अलावा एक और सज्जन है, इन्होंने, इकबाल खान, इन्होंने कमेंट करके बताया है कि सऊदी अरब ने कहा है कि अगर 12 बजे से पहले प्लान नहीं पहुंचा तो सबको क्वारंटीन कर दिया जाएगा और उसका सारा पैसा एयरलाइंस को देना पड़ेगा। यानी 19 मई में रात 12 बजे के बाद 20 मई लग गया, ये था कि अगर इसके बाद फ्लाइटें पहुंचती हैं तो उन सारे लोगों को क्वारंटीन होना पड़ेगा और उसका जो भी खर्चा आएगा वो एयरलाइंस देगी। ऐसे खबरें आ रही हैं कि जो क्वारंटीन का रूल लागू हो रहा है सऊदी अरब में 20 मई से जो लागू हो चुका है, उसकी वजह से फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। बहरहाल इस पर हमें और डिटेल का इंतजार है और जैसे डिटेल आता है हम आप तक शेयर करेंगे। और इसके अलावा नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये बात कही गई है कि नेपाल के कई सारे पोर्टल पे ये खबर चली है कि जो नेपाल से सऊदी अरबिया का टिकट है उसको लेकर अनियमितता यानी गलत तरीके से टिकटों को बेचा गया है, ज़्यादा दाम पे टिकट को बेचा गया है, इस तरीके से खबरें चली हैं, जिसके बाद से नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ट्वीट करके बताया है, एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसमें कहा है कि इस तरह की खबरें झूठ हैं, कहीं कोई गलत तरीके से टिकट नहीं बेचा गया है। फिर भी अगर कहीं कोई ऐसी समाचार मिलती है, कहीं कोई ऐसी खबर है कि टिकटों को गलत तरीके से बेचा जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को या फिर सिविल एविएशन नेपाल को आप सूचना दें कि गलत तरीके से टिकटों को बेचा जा रहा है। जो नेपाल से सऊदी अरेबिया का टिकट है उसमें अनियमितता की जा रही है, धांधलेबाजी की जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है। अगर इस तरीके से कहीं कोई आपको समाचार मिलता है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को, इसके अलावा नेपाल के सिविल एविएशन को बताएं कि टिकट को गलत तरीके से कहीं बेचा जा रहा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से ट्वीट किया
गया है टिकट को लेकर। इसके अलावा दोस्तों जो 7 दिन क्वारंटीन का नियम सऊदी अरब में लागू हो रहा है उसमें आपने सुना होगा कि पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 3,000 रियाल, 5,000 रियाल, 7,000 रियाल ऐसे करके आ रहे हैं। तो मेरी राय है आप ऑनलाइन कोई भी पैकेज ना बुक करें। हालांकि उसमें उन्होंने खाना भी रखा है, 2 PCR टेस्ट भी रखा है जो 3,000 का 3 स्टार होटल बुक हो रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट से आपको ले भी जाएंगे और साथ में सारी फैसिलिटी आपको मुहैया करा रहे हैं 3,000 रियाल में। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ सस्ता चाहते हो तो आप डायरेक्ट जाइए cdn.mt यानी सऊदी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की वेबसाइट, टूरिज्म मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर नंबर निकालिए। कई सारे होटल हैं, कई सारे अपार्टमेंट में अगर आपको रहना है तो वहाँ अगर आप डायरेक्ट बात करेंगे तो शायद आपके पैसे कम लगेंगे, क्योंकि वहाँ आप मोल तोल कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो आप से मेरी गुजारिश है कि आप जो भी लोग 7 दिन क्वारंटीन का बुक कर रहे हैं वो सीधे cdn.mt.gov.sa वेबसाइट पर जाएं, जहाँ आपको रहना है, रियाद में, जिद्दा में, दमाम में, आभा में, ताबुक में, कहीं भी रहना है, उसमें सारे सेंटर की लिस्ट दी गई है, सारे सेंटर के नाम दिए गए हैं, उनके मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर दिए गए हैं। आप सीधे उनसे बात करिए कि हमें 7 दिन रहना है, क्या है आपके पैकेज का खर्चा, तो वो बताएंगे आपको। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन के बजाय आप सीधे कॉन्टेक्ट करिए और इनसे पूछिए कि क्या आ रहा है 7 दिन का। तो ये दोस्तों ज़रूरी जानकारी थी। बहरहाल दोस्तों और कोई अपडेट आती है नेपाल सऊदी को लेकर या इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर या गल्फ देशों से कहीं की कोई ज़रूरी खबर आती है जो आपसे संबंधित होगी, आपके लिए ज़रूरी होगी, तो आपके आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।